एक साल मक्खी मच्छर यहाँ बीमार हो रहे हैं, इतने कौन सा पैसे लगा रहे हैं हमारे है? नहीं जैसे ये एक बार दिखाइएगा, ये देखिए कि बारह सेक्टर था है मैडम पलवे का गड्डी बिल्ली करने की हमको। ये एक और नया मोड़ देखने को मिल गया, बताओ कि गली की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे हैं। मेरा जवान लड़का पूरा ही गया, पूरे नु खाने लगे बच्चे लखा नहीं रिश्तेदार काम हर तो डूब का लगने नहीं जाता। सही बात है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं आता। अगला एक कदा भी पहला अपनी रोटी खाई भी वो कट का फिर आओ रे का फिर भी बुरा हाल बढ़ता ही नहीं कोई रिश्तेदार आकर मार्केट नहीं कहना ना कोई साडी सुनदा नहीं, वोटां लेणियां ना उस टाइम साडे पैर पड़दे लोकी आ गली गई समस्या बच्चे गली बननी चाहिए और सब छोड़ो है गली बननी चाहिए मेन तो रास्ता होगा निकलना कोई मेहमान भी नहीं आता है हमारे रिश्तेकरण भी नहीं आते हमारे बच्चे गुवारे फिर है। कोई देखने भी नहीं, इलेक्शन के टाइम पर सब आ जावे थे मैं वोट दो उसके बाद किसी ने नहीं आके देखा यहाँ। भैया वोट लेकर मुड़ के देखते नहीं आने के क्या हो रहा है क्या नहीं है, इसका तो नाम ही नहीं आता। बारिश में इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम सबको कि हम वाहन भी नहीं अपना निकाल सकते बाहर, इवन हम बाहर भी नहीं खड़ सकते और ये इतना गंदा पानी है, इससे बीमारियां इतनी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हैं। डिजीजेस फैल रही हैं, ये इसी रीजन से फैल रही हैं। कोई सरकारी बंदा यहाँ पे नहीं आता है ना कभी उनकी, जो हम कॉल भी करते हैं काफी बार कंप्लेंट भी करते हैं बट उनकी तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज तक नहीं मिला। यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, जब हमें वोट पाने का हक है तो हमें इन सब का भी हक है कि जो फैसिलिटीज दूसरों को प्रोवाइड हो रही है वो हमें भी होनी चाहिए। अभी कुछ कह रहे थे मेरे को सुनाई दिया आप, कई बार तो दफ्तर में जाए माते दफ्तर जिनका क्या बोल रहा है बीजेपी वालों का कई बार नंबर नहीं इसका नंबर नहीं कोई भी है कानून का, तो मतलब इसका करता धरता कोई नहीं है, कोई नहीं है जी कुछ भी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अर्थ प्रकाश टीवी में। आज हम चंडीगढ़ के हलो माजरा के एरिया में, कहा जाता है चंडीगढ़ बहुत ज्यादा खूबसूरत शहर है, रहने के लिए हर एक व्यक्ति का सपना कहा जाता है, हर एक इंसान ये चाहता है कि चंडीगढ़ में रहने के लिए घर मिले ताकि यहाँ की जो फैसिलिटीज हैं उनका लुफ्त उठा सके। लेकिन चंडीगढ़ की एक सच्चाई और है। आज हम लोग हलो माजरा में खड़े हैं और हलो माजरा के 685, ये मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये 685 हाउस नंबर है और जिस गटर के ऊपर मैं खड़ा हूं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे होके ये गटर भी दिखा दें। ये गटर कई समय से ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो के साथ साथ यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं ये पानी यहाँ से निकल रहा है, ये सारा पानी गटर का है, बरसात का पानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि ये गटर के पानी की वजह से यहाँ पर गंदा पानी गलियों में बह रहा है और किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों से ही जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कब से ये गटर का पानी बह रहा है और किसको गुहार लगा है? होश संभाली जब से बह रहा है ये। हल्लो माजरा में कब से है? हल्लो माजरा में मैं हूँ 88 से। 88 से तो ये गटर का पानी आज ही बह रहा है हमेशा? पहले से ही। कब से? पहले से ही, जब से हमने होश संभाला जब से ये इस तरह बहता है। पॉलिटिकल आते हैं पहले नालियां खुली थी फिर ये सिगरेट डल गई, इस तरह ही है ऐसे ही है। वो ये कभी सड़क छुड़क नहीं बनी? बनी थी एक बारी बनी थी, वो थोड़ी सी लगा दी, थोड़ी सी लगा के चले गए, मतलब ये भी बहुत पूरी नहीं लगी। उसके बाद नहीं कोई बनी गड़ी यहाँ इट उठ जाती थी, उसके बाद तो कोई आया जब से एमसी के अंडर गया कोई देखने भी नहीं, इलेक्शन के टाइम पर सब आ जावे थे मैं वोट दो उसके बाद किसी ने नहीं आके देखा यहाँ। भैया वोट लेकर उठ के देखते नहीं आने के क्या हो रहा है क्या नहीं है, इसका तो नाम ही नहीं आता।
भी बनेगी। यहाँ से सिर्फ वोट लेने आते हैं, यहाँ की जो भी पाइप का या रोड का होता है तो वो कहते हैं कि रेड लाइन से बाहर है, उसके अकॉर्डिंग उनको ये देखना चाहिए। यहाँ पे छोटे बच्चे बुजुर्ग हमारी माताएं हैं, वो कैसे यहाँ से निकलेंगे, बारिश में इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम सबको कि हम वाहन भी नहीं अपना निकाल सकते बाहर, इवन हम बाहर भी नहीं खड़ सकते। और ये इतना गंदा पानी है, इससे बीमारियां इतनी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हैं। ये डिजीजेस फैल रही हैं, ये इसी रीजन से फैल रही हैं क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है। जितने भी वोट आते हैं इलेक्शंस में खड़ते हैं, उन्होंने आके सिर्फ एक ही करना होता है कि हम करवा देंगे, बट रिजल्ट कोई नहीं दिखाता। सिर्फ एक टाइम को उनका अपनी वोट चाहिए, जीत जाते हैं दोबारा यहाँ पे मुड़के नहीं आते ना हमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक है सर। यही रहते हैं? क्या घर नंबर क्या है? 685। यहाँ पे सर तो कह रहे हैं कि काफी टाइम से यहाँ पे पानी ऐसा ही हाल है, तो बच्चों का जब से मेरे हिसाब से बच्चों का कैसे रहता है यहाँ पे? बच्चों का सर बस यही है कि बच्चे आगे चलना पड़ता है, खुलवा देते हैं, कभी हम अपना प्राइवेट बंदों को बुला के खुलवा देते हैं, ये जो भी प्रॉब्लम हमें खुद हैंडल करनी पड़ती है, कोई सरकारी बंदा यहाँ पे नहीं आता है ना कभी उनकी, जो हम कॉल भी करते हैं काफी बार, कंप्लेंट भी करते हैं, बट उनकी तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज तक नहीं मिला कि उन्होंने कभी सीरियसनेस दिखाई हो इस काम के लिए कि ये काम है। यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, जब हमें वोट पाने का हक है तो हमें इन सब का भी हक है कि जो फैसिलिटीज दूसरों को प्रोवाइड हो रही है वो हमें भी होनी चाहिए। इन द सेंस यहाँ पे आप खुद देख सकते हो पूरी गली पीछे तक पूरी कच्ची गली है। एक बार गली दिखा सकते हैं? ऊपर तक वो देखिए, ये गली वहां से शुरू होती है और यहाँ से आगे तक, यहाँ से कई दूर तक निकल जाएंगे, ये गली वहां जाके मेन रोड पर जुड़ती है, वहां तक ये गली ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। आपको विजुअल्स में भी दिखाते चलते हैं कि ये गली कैसी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि गटर ओवरफ्लो की बात की थी अभी, ये तो पाइप, मेरे ख्याल से पाइप फटा हुआ है। अब ये तो सर हमें नहीं पता, बट ओवरफ्लो होता रहता है यहाँ से कहीं ना कहीं, क्योंकि पक्का कुछ काम नहीं हो रखा है, सच्चा काम हो रखा है, तो इससे ये होता ही रहता है। यूजली लगा लो अब मंथली 3-4 बार होता रहता है। आंटी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी। ये सब जो हो रहा है इसके लिए किसी को गुहार लगाई है? कोई MC हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी को कहा है आपने? कहा है जो यंग का बनाया है सर, वो प्रधान जो कुछ भी है मुझे तो पता नहीं कौन सा है, उसको 3-4 बार ही जा लिया उसके पास, वो कह रहे 1-2 महीने में बन जाएगा, 1-2 महीने 6 महीने फिर मुड़का आता नहीं है। ये उनके 1-2 महीने कब से चल रहे हैं? कितने साल हो गए? 1-2 महीने मतलब खत्म नहीं हुए अभी तक। सर के पास चलते हैं बात करते हुए कि आप क्या कहना चाहेंगे, ये सब गली का हाल है? गली की और सीवर की है सारी समस्या, सीवर साफ नहीं होती, कोई झाड़ू नहीं लाना आता, कोई भी इतना गंद लफाफे गरीब पे रहते, कोई भी बंदा नहीं आता इतना, सफाई कर्मचारी तो आते ही नहीं, गली की इतनी समस्या, बच्चे की बुरी हालत। गली बननी चाहिए और सब छोड़ो, गली बननी चाहिए मेन, तो रास्ता होगा निकलने का, कोई मेहमान भी नहीं आता है हमारे, रिश्तेकरण भी नहीं आते हमारे, बच्चे कहीं घुमा फिर है रिश्तेदार, और लोग कह रहे हैं क्या करें हम अपनी लड़की देकर, रिश्तेदार हमारे कहां था, तो गंदा बहुत गंदा, और बोटिया दे आधा चले जा, 12 सेक्टर था है बरमपाल में देखा, लोग कह रहे बात गड्डी भी निकलने की हमको। ये एक और नया मोड़ देखने को मिल गया, बताओ कि गली की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे हैं? मेरा जवान लड़का पूरा ही गया, पूरे नु लखाण लगे बच्चे लख्या नहीं, रिश्तेदार काम है तो डूब का लखने में जाकर, सही बात है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं आता अगला, एक कदा भी पहला अपनी रोटी खाई भी हो कट का फिर और जाकर फिर बुरा हाल बढ़ता ही नहीं, कोई रिश्तेदार आकर रेल गड्डी देनी है, और भी रिश्ता करना आए रेल गड्डी तो नहीं देनी है, ये देखो किन्ने मुंडे हैं, सारे मुंडे हैं, ये देख लो सारे, कोई रिश्ता करना आता ना देखना आता, बच्चे कहते गलियां तो थोड़ी ठीक नहीं, असि नहीं करते रिश्ता, असि नहीं कुड़ी उरे देनी है, देखो बच्चे गंदा पानी पींदे है, कोई साडी सुनदा नहीं, वोटा लेनी है ना उस टाइम साडे पैर फटदे लोकी आ फिर फरेंगे पैर, वोट सानू पानी सानू पानी है, वोट जब यहाँ पर जब यहाँ वोट मांगने आए थे तब आपने गुहार लगाई थी लगाई थी हमने मोर, अब किसी ने भी आकर देखा हम गंदा पानी पी रहे हैं नाले का, अब जी करता उनका वो करे, कभी आप इकट्ठे होके गए हैं उनके बाद जाके आए हैं, कोई नहीं सुनाई कर रहे हमारी, हमारे कोई सुनाई नहीं करता, जब वोट लेनी हो तुम्हारा पैर पकड़ने को तोड़वे चाटने को तैयार रहे, अब हम गंदे नाले का पानी पी रहे हैं,
किसके पास गए थे अभी? क्या नाम है उनका? हम जाके आए बेटे चरण पे जाके आए हम। वो कह रहा है दो चार महीने ठहर जाओ बनेगी बनेगी। एक साल हो मक्खी मच्छर यहाँ बीमार हो रहे हैं इतने। कौन सा पैसे लगा रहे हैं हमारे ये एक बार दिखाइएगा। ये देखिए कि टूटी हुई सड़क की वजह से माता जी का समस्याएं बहुत है, बहुत कुछ है यहाँ बताने का। लोगों के अंदर का गुस्सा जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माइक आने से पहले और माइक हटने के बाद तक लोगों का और महिलाओं का जो गुस्सा है वो सामने दिखाई देता है। इसी गली की वजह से जो स्मार्ट सिटी कहते हैं, उस स्मार्ट सिटी में बहुत सा ऐसा एरिया है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो स्मार्ट सिटी के मेरे हिसाब से दायरे में नहीं आती। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको नहीं लगता हुआ ये कोई स्मार्ट सिटी है। एक बार और बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? तुषार नाम है जी मेरा। कहाँ रहते हैं? रहते हैं, दुकान है जी हमारी इधर। गली का नाप लेने आते हैं, सड़क बनाएंगे ना, अब तक सड़क बनी इधर ना टाइल बिछी। ये तो महीने हर महीने का काम है, हर महीने पानी बह रहा है, खुद ही ठीक करा रहे। अभी, अभी पूछा है आपने, ये तो अभी बरसात नहीं है, बरसात के टाइम में कैसा होता है? इससे बुरा हाल है, बरसात में पानी पैर इतना भर के पूरा, बहुत बुरा हाल है जी। गली का कितनी बार गए हैं, एप्लीकेशन लिखी है, कोई सुनवाई नहीं है इधर। सड़क का आएंगे माप लेंगे, वहां तक माप लेके चल जाएंगे, कहते सड़क बना रहे बनी नहीं अब तक। कभी आपने पूछा कि ऐसा कैसा माप ले रहे हो जो आज तक नहीं पूरा हुआ? कह रहे बस ईश्वर बनवाएंगे, ईश्वर करेंगे। अभी इलेक्शन हुए थे, वो पैम्पलेट से बांटने आते हैं रैली के, भाई बनवाएंगे सड़क बनवाएंगे, ये करेंगे, बस बोलते ही है। अभी ना मेरे सामने एक भाई साहब और खड़े हैं और उनसे भी कहा गया था कि उनकी बाइट लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज साफ की कि कुछ होना करना है नहीं, फालतू में बाइट दे के क्या फायदा। तो सर क्या नाम है? क्या नाम? संजय नाम है। अभी कुछ कह रहे थे, मेरे को सुनाई दिया आप। कई बार तो दफ्तर में जाए माते तीसरे का दफ्तर जिनका क्या बोल रहा है बीजेपी वालों का, कई बार नंबर नहीं, इसका नंबर ही नहीं, कोई भी है कानून का। तो मतलब इसका करता धरता कोई नहीं है? कोई नहीं है जी, कुछ भी वोट मांगना जमा सारी। जो वोट मांगता है वो नहीं है करता ना, कुछ भी नहीं, आते ही नहीं, जीत गए जी, कोई बढ़ता ही नहीं। हफ्ते बाद 10 दिन बाद गटर बंद हो जाते सारे, सरकारी गटर है, ये कोई भी नहीं आता। एक मिनट आंटी जी, आंटी जी कुछ कह रहे थे आप, एक मिनट। हमारा मच्छर मक्खी थे, दो मुत्ता हो गए, उनके जिम्मेवार सरकार होगी। जमार पे पैसे नहीं होंगे, कहाँ से लगाएंगे गरीब बंदे? छोटे छोटे हमारे नाने कभी किसी को लेकर जाए, कभी किसी को लेकर जाए, ये तो बैठे आप सर बने हुए, हम यहाँ गंदा पानी पी रहे। लेकिन सरकार तो विकास की बात कर रही है, ये विकास के बारे में कुछ कहेंगे? कैसा विकास? विकास कोई कहे पपोटा ले जा जितना पैरों में गिरा बिटे, फिर हमारी कोई भी पूछ नहीं करता है। जब कहेंगे पहले आंटी बनाएंगे बोटा ले जाएंगे, फिर आगे पूछना नहीं किसी ने, चाहे कोई मर रहा चाहे जी रहा, फिर जन्नत बनी जब कुछ नहीं होया, फिर वर्तमान बना उसको बोलते रहे, कई बार घर जाते रहे जब कुछ नहीं होया, वो ऐसे बढ़ जाते थे आगे बस। जब से ये पिंड एमसी में है, एमसी के अंडर है ना ये पिंड, फिर ये गली एमसी के अंडर नहीं आती, कहते नक्शे में नहीं है, ऐसे कैसे की नक्शे में नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? तो ये सब लोगों की जो समस्याएं हैं, इनका दुख है, वो आपने इनके बातों से समझ ही लिया होगा, इनके हाव भाव से समझ ही लिया होगा कि क्या कितना परेशानी से ये लोग गुजर रहे हैं। रोज बच्चों को कंधों पे बिठा के ये लोग स्कूल छोड़ते हैं, जब ये गली अभी ये हाल है तो बरसातों में क्या हाल होता होगा, गटर बह रहे हैं, बीमारियों के यहाँ तक की मरने की बातें कर दी। यहाँ तक जो माताएं बहने हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही सिर्फ एक इसकी वजह से, कोई रिश्ता करने ही नहीं आता। आप खुद बताइए कि ये कैसा चंडीगढ़ है और कैसा विकास है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिए ताकि सरकार के कानों में ये जो लोगों की, गरीब लोगों की आवाजें हैं
वहां तक पहुंचे। ऐसी और सीरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे, चंडीगढ़ के गांव, चंडीगढ़ के वो ऐसे एरियाज जो सरकार से अछूते हैं, जो शायद मेरे हिसाब से भूल चुके हैं सरकार कि यहाँ पर भी कोई विकास होना चाहिए, सेक्टरों को छोड़ यहाँ पर भी लोगों की जरूरतें, यहाँ भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, अपना कमेंट करके इस वीडियो में बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिए। धन्यवाद। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।